एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक 32 साल की लेडी का केस डिस्कस करते हैं जो मेरे पास सब कंजक्टिवल हेमरेज के लिए आए थे, जो आंख में ब्लीडिंग हो जाती है और रेड स्पॉट बन जाता है। एज शी वॉज टू मैनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और उन्होंने बताया कि ये कोई ट्रॉमा हो जाए या कफ हो जाए या बहुत जोर से स्नीजिंग हो जाए तो उसके कारण ये हेमरेज हो जाता है। आप कुछ भी ट्रीटमेंट लो या ना लो, ये अपने आप सबसाइड हो जाता है विद इन 7 days और टू 15 days। लेकिन उसको ये बहुत ज्यादा बार बार हो रहा था, तो जब ये बार बार हो रहा था तो 2-3 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास वो दोबारा गए, तो उन्होंने भी इनको ये सेम बात ही समझाई कि ये कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है और उनके विजन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टेस्ट किए गए, वो भी सब नॉर्मल थे। उन्होंने रेटिना वगैरह चेकअप किया। जब ये मेरे पास लेडी आई तो इनको बहुत फ्रीक्वेंट 3rd time ये प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो आते ही इन्होंने मेरे को कहा, मैडम अगर सब टेस्ट ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो मुझे ये बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत स्ट्रेस आता है। मैं बहुत ज्यादा काम कर लेती थी, इवन आस पड़ोस की भी हेल्प कर देती थी, लेकिन अब तो मुझसे अपना काम भी अच्छे से नहीं होता। दिन रात मेरा ध्यान आंख की तरफ ही रहता है। हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें निटिंग का शौक है, तुम कुछ निटिंग ही कर लिया करो। उन्होंने मुझे नेटफ्लिक्स की भी सब्सक्रिप्शन लेकर दी। मैं सब कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान तो मेरी आंख पर ही चला जाता है। कुछ भी करूं ध्यान वहीं का वहीं। तो मैंने पूछा कि और भी कुछ है बताने को, तो इन्होंने कहा कि जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ या कहीं ट्रेवल करती हूँ इनके साथ या बाइक पे बैठती हूँ तो मेरा ध्यान तो स्पीडोमीटर की तरफ ही रहता है। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। देन आई अगेन आस्क्ड कुछ और, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे को दिखाया कि देखिए मैडम, वैसे तो मैं सारी पतली हूँ, ये देखिए मेरा पेट कितना फूला हुआ है। सब बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन बच्चों के बाद पेट इतना बड़ा ही रह गया। दिस वॉज द केस, प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूबिक्स। द फर्स्ट रूब्रिक वॉज डार्कनेस एग्रावेशन। जब सब कुछ ठीक है फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दिस इज डार्कनेस एग्रावेशन। यहाँ एग्रावेशन क्या है? मुझे तो ये सोच सोच कर बहुत परेशानी होती है, मुझे तो ये सोच सोच कर बहुत चिंता होने लगती है। मतलब उसको ये जो प्रॉब्लम है कि ये क्यों हो रहा है, ये उसे एग्रावेट करता है। देन मैं कहीं भी अपना ध्यान लगाऊं, नेटफ्लिक्स देखूं या फिर निटिंग करूं, डिलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन 1 point, लेकिन मेरा ध्यान मेरी आंख की तरफ ही रहता है कि ये ब्लीडिंग बार बार क्यों होती है। पहले मैं आस पड़ोस का काम भी कर देती थी, उनकी भी हेल्प कर देती थी, बट अब मुझसे मेरा ही काम अच्छे से नहीं हो पाता। दिस इज बिजनेस इनकैपेसिटी ऑफ। देन उसके हस्बैंड ने भी बोला, डॉक्टर्स ने भी बोला कि कुछ खास नहीं है, ये ट्रॉमा कफ स्नीजिंग के कारण बहुत कॉमनली हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको चैन नहीं, दिस इज इनकंसोलेबल। द क्लियर कट रूब्रिक विच शी टोल्ड वॉज, मुझे एक्सीडेंट से डर लगता है, दिस इज फियर एक्सीडेंट ऑफ। एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई टुक वॉज डिल्यूजन एंड लास्ट बॉडी इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसने मुझे अलग से दिखाया कि ये देखिए ये पेट कितना बड़ा रह गया बच्चों के बाद। देन मैंने उन्हें डायरेक्ट एकोनाइट 1 mg की एक डोज दी। उसके बाद 3 महीने में उन्हें एक भी बार आंख में ब्लीडिंग नहीं हुई, जो उन्हें बहुत फ्रीक्वेंट हो रही थी और उनके मन से चिंता भी चली गई। और अब हम देखेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स पूछते हैं कि जैसे उन्होंने पेट के बारे में मुझे बताया कि क्या उनका कंसर्न चला जाएगा या क्या हमारी मेडिसिन से वो उनका पेट नॉर्मल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें पेशेंट को
ठीक है, उनका कंसर्न कम हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट का मैं बार बार पूछती थी उनसे कि अब भी आप बाइक पे आए हो क्या, आपको अभी भी डर लगा, या आप गाड़ी में जाते हो अभी भी डर लगा, वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट आपको पेट के बारे में भी दोबारा पूछता है तो उन्हें मैनेजमेंट बताइए कि पेट मेडिसिन से कम नहीं होगा। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हैं और पेट की एक्सरसाइजेस करते हैं, ये तभी कम होगा। तो ऐसा उनको सॉल्यूशन बताइए। ऐसे नहीं कि उन्होंने मेडिसिन खाई, वो उतना ही डाइट ले रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनका पेट भी पतला हो जाएगा। तो एकोनाइट देने के बाद वो केस कंप्लीटली सॉल्व हो गया। थैंक यू एवरीवन।